आप देख रहे हैं पंजाब केसरी डॉट कॉम और वक्त हो चला है 5 बड़ी खबरों का। गुजरात में कांग्रेस ने मानी हार, बीजेपी की 7वीं बार वापसी। हिमाचल में दिलचस्प मोड़ पर पहुंचा है मुकाबला, जाने कब तक आ सकते हैं रुझान। गुजरात और हिमाचल चुनाव के नतीजे आज जारी हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव के सबसे तेज नतीजे जानने के लिए लाइव ब्लॉग पर लोग बने हुए हैं। बता दें कि गुजरात के रुझानों को देख आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा है कि गुजरात की जनता के वोट से आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। शिक्षा और स्वास्थ्य की राजनीति पहली बार राष्ट्रीय राजनीति में पहचान बना रही है, इसके लिए पूरे देश को बधाई। अपडेट, बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान की आहट, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, स्कूल भी हो सकते हैं बंद। दक्षिण भारत में मौसम अपना कहर बरपा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी 8 दिसंबर को बंगाल के दक्षिण पूर्व खाड़ी के ऊपर गहरा दबाव एक चक्रवाती तूफान मेंडूस में बदल गया है। बता दें कि इससे तमिलनाडु के साथ साथ पुडुचेरी पर भी असर देखने को मिल सकता है और भारी बारिश का सामना यहां के लोगों को करना पड़ सकता है। इसी के मद्देनजर आज यानी कि 8 दिसंबर को जिले के कई स्कूलों और तंजावूर के जिले के स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। हिमाचल में कांग्रेस को सता रहा ऑपरेशन लोटस का डर, विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा। मतगणना फिलहाल जारी है। चुनाव परिणाम आने से पहले कांग्रेस को कथित तौर पर विधायक के खरीद फरोख्त का डर लग रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि कांग्रेस को डर है कि बीजेपी उससे जीते हुए विधायकों को तोड़ सकती है। इस आशंका और कथित ऑपरेशन लोटस को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने हिमाचल के विधायकों को राजस्थान के रिजॉर्ट में शिफ्ट होने की योजना भी बना ली है। केवड़िया में हाथ से सड़क उखाड़ने का वीडियो हुआ वायरल, पीडब्ल्यूडी ने बताया क्या था कारण। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक सड़क का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स मरम्मत की गई सड़क को अपने हाथ से उखाड़ता हुआ नजर आ रहा है और उसे खराब करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बता दें कि वीडियो सामने आने के बाद अब लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी के काम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जब पड़ताल इस वीडियो की गई तो पाया गया कि एक थाना क्षेत्र से वीडियो वायरल किया गया है जहां पर एक शख्स अपने हाथ से ही सड़क को उखाड़ता हुआ दिख रहा है। बता दें कि ऐसी वीडियो कुछ दिन पहले एक और वायरल हुई थी। संसद के शीतकालीन सत्र पर रणनीति को लेकर कांग्रेस सांसदों की बैठक, सोनिया हो सकती है शामिल। संसद का शीतकालीन सत्र बुधवार से शुरू हो गया है। शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्ष गंभीर दिख रहा है। बीते दिन जहां कांग्रेस ने विपक्ष के दलों के साथ मिलकर बैठक की थी, वहीं आज पार्टी की संसदीय दल कार्यालय में एक बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल हो सकती हैं। कांग्रेस की शीतकालीन सत्र को लेकर अपनी रणनीति पर चर्चा के साथ ही किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है, इस पर भी सांसद बातचीत कर सकते हैं। बैठक सुबह 10 बजे के बाद शुरू हो सकती है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स से हमेशा जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com।